हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। आप सोच रहे होंगे मैडम हंस क्यों रही हैं, तो मैं तो हंसती रहती हूँ, जब रोना हो तो रोती भी रहती हूँ, है ना। आज हंसी आ रही है तो क्या करें, है ना। कुछ बातें होती हैं जो मैं आप लोग के साथ ही शेयर नहीं कर सकती, पर हंसी आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आज ये तो बता दीजिए, सबसे पहले तो अष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। सबके घर शायद आज पूजा हो रही होगी, मुझे मालूम है। हमारे घर भी शाम को पूजा है और आज व्रत भी रखा है। आप सबका भी व्रत होगा मुझे मालूम है, क्योंकि अष्टमी है और ये छोटी माता है जो अप्रैल में चैत में पूजती हैं, और इसके बाद बड़ी वाली तो दशहरे के टाइम आएंगी। तो कई लोग के घर शायद दिवाली होती नहीं है, पर हमारे यहाँ तो होती हैं, ऐसा है। तो आज पूजा जो है हमारे घर में जो होगी, वो हमारे मतलब दादाजी का, जो मेरे दादाजी का मतलब मेरे पापा का, पापा के पापा मतलब उनका घर जो है। तो अब दादाजी तो नहीं रहे हैं, तो छोटे चाचा हमारे जो एक माता की वो रहती है, वो उनके यहीं पूजती है। तो पूरा खानदान वहीं पर ही इकट्ठा होता है। तो शाम के टाइम वहाँ पूजा होगी, तो सभी लोग वहाँ पर जाएंगे, लेकिन लड़कियों के लिए अलाउ नहीं रहता है इस पूजा में इकट्ठा होना, क्योंकि ऐसा बोलते हैं लड़कियाँ पराई होती हैं और घर की माता की पूजा लड़कियाँ नहीं देखती हैं। तो हमारे घर में तो जोत जलती है, तो हम लोगों को कभी नहीं देखने दिया। शादी भी नहीं हुई थी तो भी हम सबको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था जब पूजा होती थी, और सब लड़के और घर की बहुएं सब लोग देखते थे, लेकिन घर की जितनी भी लड़कियां थी ना, पूरे खानदान में सबको एक कमरे में बंद कर देते थे कि कोई भी धोखे से आके वो जोत जलता हुआ नहीं देख ले ऐसा। अब इसके पीछे कुछ भी रीजन रहे हो, ये हमको कभी हम लोग ने जानने की भी कोशिश नहीं करी, पूछा भी नहीं कि ऐसा क्यों होता है हमारे घर में कि लड़कियों को क्यों पूजा नहीं देखने देते हैं, जबकि कन्याएं हैं। कहते हैं कन्या तो देवी स्वरूप होती है, लेकिन जब कन्या छोटे से थे तब भी नहीं दे, अब तो खैर बड़े हो गए तब भी नहीं देखने दिया था। तो आज तक हमने अपने घर की पूजा नहीं देखी है कि माता की पूजा कैसे होती है। ये बस व्रत रखते हैं हम, क्योंकि हम तो इस घर की लड़की हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि जाके वहाँ इकट्ठा होंगे। और अभी पूजा करनी भी नहीं थी, तो इस चक्कर में ना मैं कहीं ज़्यादा मंदिर जा पाई, कुछ भी नहीं कर पाई इस बार भी। माता जी का तो ऐसे ही निकल गए 6-7 दिन, वरना हर बार मैं पूरे नवरात्रे करती हूँ, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। खैर अभी बड़ी नवरात्रि आएंगी तब करेंगे पूरा क्योंकि पिछली नवरात्रि में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पूरा मंदिर में ही जाती हूँ, वहीं बैठ के पाठ करती हूँ, पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। लेकिन इस बार कुछ भी संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ सरकमस्टेंसेस ही ऐसी बनी कि कुछ नहीं कर पाए और दोस्तों आप लोग सुनाओ कि आपके घर में कैसे क्या पूजा होती है, सारा मुझे जरूर बताना कमेंट करके। क्या बनाते हो आज के दिन? आज के दिन हमारे यहाँ गुजिया पपड़ी बनती है और साथ में दही बड़े बनते हैं, पूड़ी सब्जी, वो पूरा खाना जो रहता है ना मेन, गुजिया पपड़ी। और एक हमारे दादाजी को हमने देखा था कि वो चावल गुड़ में डाल के कुछ ऐसे कुछ भोग बनाते थे, वो इतना टेस्टी लगता था उस टाइम पे कि बता नहीं सकते, बहुत टेस्टी बनता था वो इतना सा मिलता था हम लोगों के लिए खाने के लिए, लेकिन वो टेस्ट अभी तक नहीं भूले और उसके बाद कभी मिला भी नहीं है हम लोगों के लिए वो खाने के लिए, जब बहुत छोटे छोटे थे तब मिलता था। तो वो स्पेशल बनता था, वो पूजा के लिए ही बनता था, लेकिन अब जब से अलग अलग सब हो गए तब से ये सारी चीजें नहीं होती हैं, है ना। अब चलिए दोस्तों, बात करती हूँ मैं जो बात को लेके मैंने आज ये वीडियो बनाया है, कि कई लोग बहुत दुहाई देते हैं कि हम आपका अच्छा सोचते हैं, हम आपके वेल विशर हैं सब हैं, लेकिन वही लोग जाके बाद में बदनाम करते हैं ना। ये पहले अपन लोगों में इतना घुसेंगे कि अपने सारे राज जान लेंगे, है ना। सारे राज जानने के बाद फिर वही लोग जाके दूसरों से उसमें और नमक मिर्ची लगा के और उसको इतना बड़ा करके, जैसे बात तो कुछ शायद रहती नहीं हो, और उस बात को इतना लंबा करके लोगों के सामने बताएंगे कि बता नहीं सकते कि इनका घर टूट जाए, इनका परिवार टूट जाए, सब हो जाए, है ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों से कि जो गलतियाँ मेरे से हुई हैं, कभी भी किसी के ऊपर भी आसानी से ट्रस्ट मत करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ठोकरे खा खा के ही ये चीज समझी है कि अपने दिल की बात, अपने घर के
सिवा कभी किसी के भी, अपने घर के जो भी खास जो तुम्हारे करीब हैं, घर के जैसे मम्मी पापा हैं, इस तरीके से आप घर में सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करें जो आपके बहुत करीब है, चाहे फिर वो कोई भी रिश्ता हो जो आपके करीब है, जो आपको समझता है, वो उनको आप अपने मन की बात शेयर करो हर किसी के साथ। आपको ये लगता है कि जब आप परेशान होते हो ना, तो आप उठा के बातें अपन किसी से भी, क्योंकि उस टाइम मन ऐसा मतलब होता है कि कोई तो हो जिससे हम सारी बातें बोल दे, क्योंकि उस जब इंसान अकेला होता है ना, तब उसको लगता है कि यार कोई हो जो हमें समझे, हमारी बात सुन ले, और उस टाइम पे ही मतलब कुछ गलतियां हो जाती हैं इंसान से, और अपन अपने मन की बातें सबके साथ शेयर कर देते हैं, है ना। और ये अपन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी गलती। और ये गलती बहुत टाइम बाद हमको रियलाइज होती है कि यार हमने क्यों अपने मन की बातें, क्यों अपने घर की बातें, क्यों अपनी जिंदगी की बातें, जो पर्सनल बातें थी, हमने क्यों दूसरों के साथ शेयर करी, हमें नहीं करना चाहिए था। उसका भुगतान फिर हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है ना। वो टेंशन दिमाग में चलते रहते हैं, और ऐसे लोग क्या करते हैं दोस्तों, उसमें है ना बहुत कुछ मसाला मिला के अपनी तरफ से, और दूसरों के सामने वो चीजें बहुत बड़ा चढ़ा के परोसते हैं, है ना, ताकि इस इंसान की बदनामी हो, ताकि इस इंसान का कभी जिंदगी में कुछ अच्छा ना हो। और एक बात और नोट करिए कि ऐसे इंसान अपनी बुराई भी करेंगे और बात भी अपन से ही करना चाहेंगे, ऐसे इंसान है ना, अपन में ही घुसना चाहें किसी ना किसी तरीके से, वो अपन लोगों से कांटेक्ट करेंगे कि कैसे भी एक आध बार बात हो। और क्योंकि तो अपन लोगों को जब उन लोगों की फितरत समझ में जाती है, तो हम अपन लोग दूरी बना लेते हैं उन लोगों से कि नहीं यार ऐसे लोगों से दूर रहना है, ये टॉक्सिक पर्सन है, इनसे जिंदगी में जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है ना अपनी लाइफ के लिए। लेकिन ऐसे ही लोग आप में की बुराई भी करेंगे दूसरों के सामने, और आप में ही घुसेंगे, किसी ना किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट करेंगे, कोई ना कोई जरिया ढूंढेंगे कि इनसे कांटेक्ट हो जाए, इनसे बात हो जाए। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आती कि जब इंसान इतना बुरा, आप दूसरों के सामने हमारी इतनी बुराइयां करते फिर रहे हो, इतना कुछ, और फिर उसी में क्यों घुसना है, किसी को क्यों घुसना है। जब इंसान यदि बुरा होता है तो फिर वो बुरा ही होता है। जैसे आज हमने सोच लिया कि इंसान बुरा है, तो फिर हम उसकी तरफ कभी जिंदगी में पलट के नहीं देखेंगे कि ये बुरा है और बहुत बुरा है, हमारी जिंदगी के लिए हानिकारक है, तो उसकी तरफ हमें पलट के नहीं देखना। लेकिन कई लोगों की ऐसी फितरत होती है कि वो बार बार घुसना चाहते हैं, किसी भी तरीके से घुसना चाहते हैं, और साथ में हमारी बदनामी भी करना चाहते हैं। नहीं आता समझ में ना कि ये जो दो फेस डबल फेस लेके लोग चलते हैं ना, कैसे ऐसा डबल फेस रख लेते हैं, ये चीज समझ में नहीं आती है इंसान की। और यदि कैसे भी करके पता करना चाहो कि तो मुकरना भी है कि हम तो ऐसे लोगों को जानते ही नहीं है, हम ऐसे लोगों को पहचानते ही नहीं है, और बुराई भी करना है। अजीब और गरीब लोग हैं यार, पहले अपनी ग्रेवान में झांक के तो देखो कि आप खुद कितनी कीचड़ भर के बैठे हुए हो यार, जो आप दूसरों से बुराइयां करते फिर रहे हो, हमारी क्यों है? कसर तो छोड़ी नहीं है घर परिवार बर्बाद करवाने में, है ना। ये बात भी है कि बहुत सारे गरम मसाले लगा लगा के बातों को परोसा गया है ये, और ये तो हम कहें कि शायद बालाजी की ही कृपा है, भगवान की इतनी कृपा है कि खराब करते लोगों ने इस हद तक हमारी चीजों को खराब करना चाहा कि बिल्कुल शायद ये इंसान सुसाइड कर ले, इतना खराब करना चाहा। लेकिन भगवान का हमेशा इतना हाथ रहा है मेरे ऊपर कि चीजें बिगड़ते बिगड़ते अपने आप सुधर गई हैं, क्योंकि तो इतना तो भगवान भी जानता है कि मैंने दिल से किसी का बुरा नहीं किया कभी, ना कभी चाहती हूँ किसी का भी बुरा। लेकिन जो आसपास मधुमक्खी जैसे लोग भन बना रहे हैं ना, वो हमेशा ही मेरा बुरा चाहते हैं रहे, वो बुरा करने के लिए तत्पर रहे, और यदि अपन लोग बैक ले लिया तो और ज्यादा बुरा कर रहा है ना। ठीक है करो, ये इससे इंसान की फितरत समझ में आती है कि इंसान की फितरत कैसी है, और हमें तो हमारे भगवान जी पे पूरा भरोसा है।
कि यदि हमारा कर्म, हमारा दिल साफ है तो भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। लोग कितना भी कुछ करना चाहेंगे तो भी बुरा नहीं होगा, इतना तो हमें हमारे भगवान पे आज से नहीं बरसों से भरोसा है कि हमारे भगवान जी ने कभी भी, यार हाँ हमें मुसीबत में जरूर डाला है, और वो भगवान परीक्षा लेता है ना तभी तो, और भगवान उन्हीं की परीक्षा लेता है जो एग्जाम देने में सक्षम होते हैं। हर किसी की परीक्षा थोड़ी लेता है भगवान, भगवान को भी मालूम है कि ये इसकी परीक्षा लेंगे तो ये हमारी परीक्षा में खरा उतरेगा। हर किसी की परीक्षा नहीं लेता है भगवान, तो ये ठीक है, चल रहा है हमारा एग्जाम टाइम चल रहा है और परीक्षाएं होती रहती हैं, लेकिन हम उन परीक्षाओं में सफल भी होते रहते हैं, भगवान हमें उन परीक्षाओं में निकाल भी लेता है ना। तो चलिए दोस्तों, जिसका जो कर्म है वो उनके साथ है, वो जैसे कर्म करेंगे वैसे भोगेंगे। हम अपने कर्म से भोग रहे हैं, सामने वाला अपने कर्म से भोग रहा है, सबके अपने अपने कर्म है ना। तो सबको अपना, जैसा आप स्वभाव रखोगे, जैसा आप दूसरों के प्रति द्वेष रखोगे, दूसरों के प्रति घृणा रखोगे, तो भगवान उस तरीके से ही आपके साथ भी डबल करके भेजेगा, है ना। ये तो होता ही है, सबके साथ होता है कि आप बुरा करोगे किसी का तो आपका और उससे डबल बुरा होगा, आप बुरा सोचोगे तो उससे डबल बुरा आपके लिए लोग सोचेंगे और आपके साथ होगा 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 ही। मैं कहाँ तक सही हूँ, मेरी बातें कहाँ तक सही हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, है ना। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए जय सिया राम और नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं, क्योंकि अभी बच्चे आने वाली हैं मेरी, बड़ी वाली ट्यूशन गई है, छोटी वाली स्कूल गई है, स्कूल से आने वाली है, तो उसके लिए मुझे अभी खाना वाना, उसको नहलाना बहुत सा काम रहता है, तो ज़्यादा देर तक रूबरू आप लोगों के साथ नहीं हो सकती हूँ। और हाँ दोस्तों, मैं बहुत जल्दी, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं लाइव आऊँगी तो मैं आप लोगों के लिए पहले ही इन्फॉर्म करूँगी लाइव आने के पहले, तो जल्दी, कभी बहुत टाइम से लोग बोल रहे हैं कि मैडम आप लाइव नहीं आती, लाइव नहीं आती, तो जल्दी ही मैं लाइव आऊँगी। एक्चुअली बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है, सुबह से लेकर रात हो जाती है, फिर लाइव आने का टाइम ही नहीं मिलता तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी लाइव आऊँगी, आप लोग के लिए रूबरू होकर बात करूँ, क्योंकि कई लोगों को मुझसे बात करना है, कई लोगों को मुझसे क्वेश्चन करना है, तो सबके बातों के, सबके सवालों के जवाब भी मैं दूंगी डेफिनेटली। तो चलिए अभी के लिए जय श्री राम, मिलते हैं फिर आपसे दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी।